गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक परीक्षा 26/8/2018 का एग्जाम रिव्यू। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह? तो आंसर होगा किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नरसिम्हा कमेटी प्रथम किस सुधारों से संबंधित है? तो आंसर होगा बैंकिंग संरचना सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओमेगा 3 एक वर्ग है? तो ये आंसर होगा वसीय अम्ल का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो आंसर होगा कोरी षड्यंत्र किससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने तीनों गोलमेजों सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर होगा सरदार पटेल। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग तो ये होता है ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? तो आंसर होगा विटामिन डी। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो आंसर होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुंह गुहिका से द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तलचर कोयला के खाने कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूटान की साथ सीमा साझा नहीं करने वाला भारतीय राज्य? तो ऑप्शन सी था अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस कारण से दिन और रात होता है? तो आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खरीफ की फसल कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन में था बाजरा, तो आंसर होगा बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? तो आंसर होगा बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो आंसर होगा समवर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो आंसर होगा कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बागवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है? तो आंसर होगा पालघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य? तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलास्का किस देश की में स्थित है? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत वर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो आंसर होगा जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत? तो आंसर होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है? तो आंसर होगा किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कलारी पयाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो आंसर होगा माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर सागर क्या है? तो सूरदास की एक काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो आंसर होगा गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा वियना में। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस? तो आंसर होगा 24 जनवरी। हॉर्नबेल
बिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NSDL का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो आंसर होगा गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइक कंपनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। भारत किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो से मुक्त घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहाँ होगा? तो ये जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाषा के आधार पर भारत के राज्यों में पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो ये तरंग धरे की। आवर्ती को नापा जाता है तो हर्ट्ज में। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग होता है यानी EEG का उपयोग होता है मस्तिष्क में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सही कथन चुने? तो आंसर था उसमें लाल प्रकाश का तरंगधर हरे प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। यही सही था आंसर 51। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेन हाइट स्केल में होगा तो आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फॉरेन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो आंसर होगा वाट। विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में पानी होता है लगभग 70%। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये एमीटर से। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये चादरी अभ्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो ये माइटोकांड्रिया है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो ये राजगिरि में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है? तो आंसर होगा तबकात ई नासिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल अबेदिन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो आंसर होगा दादा भाई नरोजी ने। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो आंसर होगा चीन। संयुक्त अमेरिका के अतिरिक्त कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश सऊदी अरब है।